अगर मैं कहूँ कि आप किसी चीज को खाने पीने के साथ उसके बर्तन भी खा सकते हैं, तो आप इस बात को मजाक में मत लीजिएगा, क्योंकि दिल्ली के रहने वाले पुनीत दत्त ने इस बात को सच कर दिखाया है। उन्होंने अपने स्टार्टअप आटा वेयर में एडिबल प्रोडक्ट बनाकर इसकी मार्केटिंग कर सक्सेसफुल बिजनेस एस्टैब्लिश किया है। पुनीत अपने स्टार्टअप आटा वेयर में गुड़ और अनाज से बने हुए एडिबल चाय के कप के अलावा कई प्रोडक्ट बना रहे हैं, जिसे इस्तेमाल करने के बाद खाया जा सकता है। साथ ही इन प्रोडक्ट्स में 5 से 6 घंटे तक गर्म चीज रखी जा सकती है। पुनीत के प्रोडक्ट की डिमांड देश के साथ विदेशों में भी हो रही है, जिससे वो सालाना काफी अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। एक ट्रेवल टूर के दौरान पुनीत ने यमुना नदी में काफी गंदगी देखी। इस चीज से पुनीत बहुत डिसअपॉइंट हुए, जिसके बाद उन्होंने एनवायरमेंट को बचाने का फैसला लिया और इसी के साथ उन्होंने प्लास्टिक फ्री प्रोडक्ट बनाने की प्लानिंग की। मार्केटिंग फील्ड के लंबे अनुभव से पुनीत को एडिबल प्रोडक्ट बनाने का आइडिया आया। कम कचरा इकट्ठा हो और पर्यावरण को नुकसान भी कम हो, इस सोच के साथ ही उनके स्टार्टअप की शुरुआत हुई। पुनीत ने प्राइवेट नौकरी छोड़कर अपने बिजनेस के लिए काफी रिसर्च और मेहनत की, जिसका नतीजा है कि उनका बिजनेस लगातार रफ्तार पकड़ रहा है। पुनीत ने एडिबल प्रोडक्ट बनाने के लिए सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझा। अपनी रिसर्च के दौरान पुनीत को पता चला कि गुड़ ऐसी प्रॉपर्टी है जो गर्म चीजों को काफी देर तक सह सकता है, और तभी से लेकर अब तक पुनीत गुड़ और अनाज से प्रोडक्ट बना रहे हैं। लॉकडाउन और प्रोडक्ट की लागत के हिसाब से प्रॉफिट नहीं मिलने पर भी पुनीत ने हार नहीं मानी। नई स्ट्रेटेजी और सोशल मीडिया की मदद से उनके बिजनेस ने नया मोड़ लिया। सोशल मीडिया पर पुनीत के प्रोडक्ट का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद उनके एडिबल प्रोडक्ट की जानकारी कई लोगों तक पहुंची, फिर बड़ी संख्या में ऑर्डर भी मिलने लगे। इसके साथ ही पुनीत ने अलग अलग फ्लेवर के चाय के कप बनाना शुरू किए, जिसका और अच्छा रिस्पॉन्स मिलने लगा। पर्यावरण को बचाने की सोच ने आज पुनीत को एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनाया है, जहां वो सालाना 70 से 80 लाख रुपए का बिजनेस करने के साथ कई लोगों को रोजगार दे रहे हैं। और भी ऐसी पॉजिटिव खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें दैनिक भास्कर ऐप के साथ। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।